गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे हैं एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप शेयर कर दोगे तो हमें आगे बढ़ने की मौका मिलेगी। अरे भाइयों और बहनों, जो देवरों और देवरानियों, जो देख रहे हो, जो हमें जो मानते हो, आप लोग से पैसे थोड़ी पूछ रहे हैं। एक लाइक कर दीजिए, बस आप अपने कीमती टाइम से निकाल के एक लाइक कर दोगे ताकि हमें भी आगे बढ़ने की मौका मिले। और सब दुनिया में एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। आप बोलोगे कि क्यों करें, तो क्यों इतना बड़ा फ़ोन लिए हो, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी आगे चलने का मौका मिले। हर इंसान एक ही काम नहीं कर सकता, और कुछ मजबूरियाँ होती है इंसान की तो ही वीडियो बनाते हैं और मजबूरियाँ झेल के ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमें आप लोग से बात ये करनी थी। एक खुशी की बात ये है कि कोलकाता का रेपिस्ट प्रिंसिपल जो था संदीप घोष, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। वो गिरफ्तार हो गई तो ये समझ लीजिए बहुत खुशी की बात है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता तो हम लोग को, हमें, आपको, उसको, सबको डर रहता कि हम अपने बेटी को कैसे आगे पढ़ाएं, कैसे आगे भेजें। दूसरे कॉलेज वाले भी वही करते, स्कूल वाले भी वही करते। जो हाँ, हमारी बेटियाँ या बहनें काम कर रही हैं, वहाँ का कलीग क्या, वहाँ का मैनेजर, वहाँ का जो है वही करते। तो उसको सजा होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो गिरफ्तार हो चुकी है तो ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए समझ लीजिए, अगर आप लोग पास में होते तो ज़रूर मिठाई बांटती और खुशी मनाते हम लोग सब लोग मिलके। तो कोई बात नहीं, यहीं से हम वीडियो बना के आप लोग के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हम कितना खुश हैं और आप लोग कितना खुश हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि वे एक ही बेटी नहीं है, बेटी सबके पास है। हम औरत हैं तो इज्जत सबके पास है। इज्जत उछालना दोस्तों बहुत आसान है, कभी खुद पे बीतती है तो समझ में आता है कि क्या बीतती है। तो इसीलिए किसी की बहू बेटी को इज्जत, बेटी की इज्जत मत उछालो। किसी की मजबूरी होती है तो ही कोई कुछ करता है। हम ही वीडियो बनाते हैं, हमें कोई बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, ये है तो हमारी कुछ ज़रूरतें हैं तो ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत वीडियो बना रही हूँ, वीडियो ही बना रही हूँ, कोई गलत काम तो कर ही नहीं रही हूँ। और आप लोग को गलत ही बोलना है तो जो गलत तरीके से वीडियो बनाते हैं उसको गलत कमेंट करके उसको बंद करवाइए, समाज सुधारिए। ना कि जो अच्छा वीडियो बनाते हैं उसको देखते ही नहीं हो और बस मतलब कुछ टिप्पणी कर देते हो, तो ऐसी गलत बात है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस खुशी में शामिल होंगे और बहुत खुश होंगे कि संदीप घोष गिरफ्तार हो गया। हमें तो बहुत खुशी है, आप लोग कितना खुश हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक लोग मुझे कमेंट किए हैं कि हंसी मजाक में बोल देते। तो देखिए, हंसी मजाक, सोशल मीडिया हंसी मजाक करने की जगह नहीं है। आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हो किसी को, क्योंकि कमेंट लाखों लोग देखते हैं, हमारे घर के लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट करिए कि आपका भी रिस्पेक्ट रहे कि ये कितने अच्छे खानदान से हैं, एक लेडीज़ का रिस्पेक्ट कितना अच्छा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं वो, तो आपकी भी रिस्पेक्ट रहेगी और मेरी भी। तो मैं यही आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सुपर सुपर कमेंट करिए कि ताकि हमें पढ़ के अच्छा मिले। और हमें ही क्यों, जो हमारी वीडियो देखे वो कमेंट पढ़े उसे भी अच्छा लगे कि अरे ये कितना अच्छा इंसान है, किसी औरत का बेइज्जती नहीं करता है। अगर आप लोग को गलत ही कमेंट करना है तो जो इतनी दुनिया में गलत वीडियो बनाती है उसको जाके गलत कमेंट करिए ना। उससे उसको तो आप लोग बड़े चाव से देखते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो ये गलत है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग से पैसे नहीं मांग रही हूँ मैं, बस सपोर्ट मांग रही हूँ। यही लोग भीख मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हो कि कुछ कर नहीं सकती, तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग से पैसे नहीं मांग रहे भाई, आपके सैलरी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक एक कमेंट कर दीजिए, एक सपोर्ट करिए थोड़ा कि हम भी थोड़ा आगे बढ़े। जो बड़े यूट्यूबर है वो भी तो हमारे जैसे जीरो ही थे ना, तो उसको आप लोग आगे बढ़ा दिए, हम लोग को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है। और हाँ, किस तरह की वीडियो बनाऊँ मैं ये भी कमेंट में बोलिए, क्या कंटेंट पे वीडियो बनाना है ये भी, क्या ये भी ऑडियंस
बताती है कि आप इस कंटेंट पे वीडियो बनाइए, ये गलत है ये सही है, तो जो अच्छे होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे और ज़रूर हमें कंटेंट देंगे कि इस पे आप वीडियो बनाइए। देखिए कोई घर में नहीं है तो मैं छुपके छुपा के वीडियो बनाती हूँ, सब घर में रहते हैं तो वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि सब घर में रहते हैं, बोल नहीं पाती हूँ अभी उतनी, और उतना यूट्यूब के बारे में जानकारी भी नहीं है तो नहीं बनाती हूँ। और लोग तो समझ लीजिए कि वायरल ही कर चुके हैं, यूट्यूब पे वायरल नहीं हूँ लेकिन ऐसे लोग मैं वायरल हूँ, तो प्लीज़ आप लोग हमारी सपोर्ट करिए। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं प्यारे प्यारा वीडियो लेके आप लोग के पास आना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट तो करिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हाथ बढ़ा के मुझे आगे ले चलिए, यही आप लोग से उम्मीद है। हमारी भारत इतनी निर्दय नहीं है और यहाँ के लोग इतने निर्दय नहीं है, जो मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। तो बस आज के बीच इस रिक्वेस्ट वाली वीडियो में इतना ही, आप लोग से कमेंट, आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। क्या बोलूँ, बोलने के लिए वर्ड नहीं है क्योंकि आप लोग मुझे आगे चलने नहीं देते हो, गिरा देते हो, गिर चुकी हूँ मैं। उठाइए आप लोग हाथ पकड़ के और चलने की हिम्मत दीजिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए आप लोग, यही उम्मीद है आप लोग से। बाय दोस्तों, बाय मेरे प्यारे प्यारे YouTube फैमिली। 5000 के फैमिली है और 500 व्यूज़ भी नहीं आता है, कितना दुख होता है। क्या हमारे फैमिली में सब ऐसे हैं? नहीं रहना चाहिए।